Lawn bowls is a sport that has sprung the biggest surprise in this edition of the Commonwealth team, Commonwealth Games. This is the women fours team that has reached the final and they will be clashing against South Africa in the final. With me is Rupa Rani Tirke, Pinky Lovely and Nayan Moni, who is from Assam. Let me start with you. You are from Jharkhand. Aap ek administrative officer hai. Lawn ball kaise shuru kiya aapne aur टीम में कैसे आए? लॉन बॉल मैंने 2007 से शुरू किया था, जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होने वाले थे तब मैंने शुरुआत की थी और टीम में सिलेक्शन का प्रोसेस था, उस प्रोसेस को पार करके मैं कॉमनवेल्थ टीम में सिलेक्शन हुई। और आप कह रहे थे कि शादी हुआ, शादी के तुरंत बाद आप कैंप में चले गए, इतने टाइम से कैंप में रहे। जी जी जी, 30 जनवरी को मेरी शादी हुई और 15 मार्च से कैंप शुरुआत हुआ था और 15 मार्च के बाद मैं यहीं पे कैंप में ही हूँ और कैंप से भी यहीं पर खेलने आ गई। तो एक महीना शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मोटिवेट किया और यहाँ खेलने के लिए भेजा। आप हमें बताइए, आप एक टीचर है दिल्ली में आरकेपुरम स्कूल में, ये गेम कब शुरू किया और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया? एक्चुअली आई एम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर इन डीपीएस आरकेपुरम दिल्ली। मैं पहले क्रिकेट प्लेयर थी, तो क्रिकेट मेरे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मेरी पोस्ट थी डीपीएस आरकेपुरम में एज ए क्रिकेट प्लेयर थी, एज ए क्रिकेट कोच। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ 2007 में इन गुवाहाटी, फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स में ये आया, पहले भी था ये कोलकाता में, लेकिन जब 2007 में आया ये तो आई वन देयर इन सिल्वर मेडल इन वुमेन्स पेयर। उसके बाद हमारे स्कूल में हमारे जो डॉक्टर डी आर सैनी थे, एक्स प्रिंसिपल थे वहाँ के, उन्होंने ये गेम बोला कि यार इतना अच्छा खेला आपने, तो कोच तो एक और है हमारे पास, तो आप ये वाली गेम सिखाइए बच्चों को। तो सिखाते सिखाते सीखते सीखते 2010 में जब ये गेम, आपके बच्चे स्कूल वाले बच्चे भी अब लॉन बॉल खेलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल वाले मैं उनको कोचिंग देती हूँ साथ में, कि दिल्ली टीम भी बनी हुई है। तो हमारा वेन्यू था 2010 में जो डीपीएस आरकेपुरम में ही है, तो मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ और ये मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो मैंने यहाँ पर सीखा है तो मैं उसको फीड कर सकती हूँ बच्चों को। यहाँ पे आकर फाइनल तक पहुँचना कितनी बड़ी उपलब्धि है, उम्मीद था फाइनल तक पहुँच जाएंगे लवली जी? उम्मीद तो था लेकिन सचमुच पहुँच जाएंगे ये नहीं पता था, लेकिन पहुँचने के बाद सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है और अभी अंदर से और हिम्मत है कि सिल्वर को गोल्ड करना है। और सबसे डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट कौन सा रहा आपके लिए? मतलब आप न्यूजीलैंड को भी हराए जो कि कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पावर हाउसेज इन लॉन बॉल। अभी अगर रहेगा कोई भी तो गोल्ड मेडल के लिए जिससे हम मैच खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका वही रहेगा। सबसे ज्यादा चुनौती किससे मिली आप? इंग्लैंड से मिली हमें, इंग्लैंड से मिली है, लेकिन यहाँ पर जो भी टीम्स है सब अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम चारों का यही है कि हमें एक यूनिटी के साथ खेलना है, चाहे 1 पॉइंट लें और देंगे तो 1 पॉइंट, लेंगे तो 4-5। तो आप जो चारों हैं चार स्टेट से हैं, कैसे आप अपने बीच कोऑर्डिनेट किए, हाउ डिड यू गेट टुगेदर एज अ टीम? एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, अभी नहीं, हम लोग 2009 से ही जानते हैं। जब 2010 कॉमनवेल्थ का था उस टाइम ने हम लोग सब ने एक साथ कैंप किया था, इंडिया कैंप किया था, तो उसी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इतना साल हो गया इसीलिए हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए शायद हम लोग का टीम कम्बिनेशन के लिए अच्छा हुआ और शायद परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों को मीन्स अच्छा मिला, इसलिए पहले से जानता है इसलिए। और आप भी कह रहे थे आपकी बेटी है, बेटी को छोड़ के काफी दिन आप कैंप में रहे, तो बेटी आप क्या कह रही है? बेटी बोलती है मीन्स मेरे सुपर मम्मी आप कर सकती हो, रोज बोलती है ऐसे फोन में, तो इसलिए उससे मुझे ज्यादा हिम्मत मिलता है क्योंकि हम गुवाहाटी से है, आसाम से, मीन्स हम ओरिजिनल, मेरा घर गोलाघाट में है, तो हम लॉन बॉल के लिए ही हम गुवाहाटी में रहते हैं, तो ताकि एक ही ग्राउंड है आसाम में ताकि हम प्रैक्टिस कर सके आगे बढ़ सके। तो हम बचपन से ही बेटी को छोड़ा है, तो बेटी ने मुझे जब वीडियो कॉल करके बोलता है मम्मी कमान हरी अप बोलता है, तो मुझे और मीन्स मिलता है कि हम कर सकते हैं, उम्मीद जगता है। अच्छा एक आखिरी सवाल, अगर गोल्ड मेडल आप जीत जाए तो व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर द गोल्ड? अभी तक वैसा कोई प्लान मैंने बनाया नहीं है। बट अनरियल सरियल लग रहा है ये मोमेंट आपको? अनरियल तो लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही एक सपना देखे थे, वो सपना को पूरा किया है, आधा अधूरा आज हमने और कल पूरा करना है। आपको सरियल लग रहा है ये मोमेंट? नहीं, लेकिन इस बार सोचा था क्योंकि एक्चुअली जो मोमेंट आई है हमारे पास वो आई आफ्टर 10 इयर्स।
क्योंकि 2010 में वी लॉस्ट ओनली बाय 1 पॉइंट. तो वो जो आज हुआ है, क्योंकि मैच इज नॉट इजी, 1 पॉइंट गिवन एंड टेकन हो रहा था, यही हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ होगा, इट्स अ मिरेकल. और हम चारों का जो था एक बॉन्डिंग बनी हुई थी कि नहीं, मतलब हमें छोड़ना नहीं है, इट्स ओके, न्यूजीलैंड है, होने दो न्यूजीलैंड. हमें नहीं पता न्यूजीलैंड के सामने कौन है, हमें सिर्फ हमारी स्किप है या लीड है, सेकंड है, थर्ड. हम सबका ये था कि ओके, स्किप हमें हमेशा मोटिवेट करता है, कम ऑन यार, जैक के पास ही डालने हैं. इफ यू कम टू द क्लोज टू द जैक, वी वन द मैच. जैक पे डालेंगे और जीतेंगे, बस जैक पे ही डालना. तो आप में से कोई कैप्टन है? हम लोग कैप्टन नहीं है. हमारे फोर्स के टीम में एक पोजीशन होता है सबकी अलग अलग जगह खेलने की. तो शुरुआत लवली करती है, फिर टिंकी करती है, फिर नयन करती है, फिर मैं लास्ट में करती हूँ. तो इस तरीके की स्ट्रेटजी होती है कि आपको किस पोजीशन पे खिलाया जा रहा है. शुरुआत का अपना पोजीशन है और अपना नाम है, उसको क्या करना है. हम लोगों का सबसे अमेजिंग बात है, हम सरों ने आज तक इंटरनेशनल एक साथ फोर्स टीम खेला है, क्योंकि हम सारों खेला है लेकिन एक साथ नहीं, कभी नहीं खेला. इस बार पहला कॉम्बिनेशन था हमारा, इस बार पहला कॉम्बिनेशन है, उसी में हम दे इंडिया क्या बात, थोड़ा सा किया है, तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. कल भी आएंगे और सिल्वर को हम गोल्ड में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे. चलिए, हमारी बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक आपके साथ होगा. गो फॉर गोल्ड. थैंक यू सो मच.